हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम विक्रम हैब क्लासेस। क्षमा चाहता हूँ थोड़े विलंब के लिए, यहाँ पर टेक्निकल इशू था, लाइट गोल हो गई थी और उस वजह से अब मैं थोड़ा सा विलंब से हूँ, लेकिन अभी मैं टाइम से पहुँच चुका हूँ। आप लोगों का बहुत स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ मेंटेनेंस जेनेटिक्स। 12th का बहुत ज़्यादा जबरदस्त टॉपिक जिसके बारे में लगभग हर बच्चा जो है वो गलत सॉल्व करता है या उसे समझ में नहीं आता है। तो सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए, बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों को बताइए, सबको बता दो यहाँ पर कि क्या होने वाला है। क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक मेरा इंतजार करने के लिए। क्षमा चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया मुझसे। हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं, अच्छी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ेंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो अगर नीट में आ गया मतलब ये हाथ से जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास में, डाइहाइब्रिड का क्रॉस कैसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को उसका जीनोटाइप फिनोटाइप याद होगा। मैं सभी विद्यार्थियों से कमेंट में आग्रह करना चाहता हूं कि आप मुझे जरूर बताइए कि डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, दृश्य प्रारूप क्या होता है। सभी बच्चे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो और बताओ। अब मैं उसके ऊपर एक नियम बनाता हूं, हालांकि एक नियम का कोई खास बात नहीं है, नियम बहुत आसान है, लेकिन अब हम उस नियम के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या नियम है। नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। डाइहाइब्रिड क्रॉस ने यह बात को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे क्रॉस होता है, डबल हाइब्रिड क्रॉस होता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस पर आधारित नियम क्या है। सभी विद्यार्थी इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट जो दो रूल थे उसमें से एक नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, ये जो नियम था। अगला नियम जो है वो हमारा नियम है जिसे हम कहते हैं डाइहाइब्रिड का क्रॉस, और इसमें डिपेंडेंट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो टोटल तीन नियम, दो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थे। ये बात आप सभी विद्यार्थियों को याद रखिएगा, सभी विद्यार्थी याद रखिए इस बात को कि कैसे हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो मान लीजिए हमारे पास में दो जीन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये दो जीन जो है इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ये एक फैक्टर है और ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। ठीक है, ये दूसरा जीन है, एक रंग को बना रहा है, एक कलर को। मान लीजिए ये गोल और पीले वाली बात है, ये दो अलग अलग कलर है। दोनों जीन अपने अपने जब मतलब युग्मक का निर्माण करते हैं तो दोनों युग्मक एकदम बराबर अलग होते हैं, फिर ये दोनों भी बराबर बराबर अलग होते हैं, दोनों युग्मक के बीच में मिक्स नहीं हो जाता कभी भी। गोल का प्रभाविता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये प्रभावी है और ये दोनों अप्रभावी है। ये दोनों प्रभावी हैं तो ये इस अप्रभावी पे बिल्कुल फर्क नहीं डालेगा। दोनों जीन अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपव्यू एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, दोनों के एक दूसरे पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर रंग मतलब जो आकृति है वो रंग पर बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल रही है। यही इस इंपॉर्टेंट रोल है किसका, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मतलब जब किसी एक संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए गए, संकर के दो जोड़े लिए गए तो दोनों जोड़े युग्मक बनते समय समान रूप से अलग हो जाते हैं। किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल भी आकृति जो है वो रंग पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगी, रंग आकृति को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। यही बात है किसकी, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को यह बात बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने मेंडल साहब के जीन पर आधारित नियम था, पहला ऐसा साइंस है जहां पर बड़ी चीज मतलब क्रोमोजोम बड़ा होता है। मैं सभी विद्यार्थियों को यह बात एकदम सिंपल तरीके से समझा दूं कि सभी लोग याद रखिएगा कि एक सिंपल सा डेटा, ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, ये कहलाता है जीन। जीन से मिल मिलकर बनता है डीएनए और डीएनए से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। तो सबसे बड़ा मटेरियल जो है वो है हमारा क्रोमोसोम। सबसे बड़ा मटेरियल कौन है हमारा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बनता है, डीएनए जीन से मिलकर बनता है और कुछ इस तरह से हमारा पूरा जीवन चलता है और ये है क्रोमोसोम। तो अभी तक हमने जीन के बारे में पढ़ा है कि हाँ भाई जीन निर्धारित करता है,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो अनुवांशिकता है वो किसकी वजह से आती है, क्रोमोसोम की वजह से। एग्जैक्टली गुणसूत्र निर्धारित करता है, क्रोमोसोम मींस होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र निर्धारित करेगा कि हमारे पास कौन सा जीन कब कहां कैसे क्या कार्य करेगा, यह बात इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी विद्यार्थी लोग, यहां पर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात, मेंडल साहब तब तक खत्म हो गए थे, मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, डाइहेबिट्रॉस किया, मेंडल साहब खत्म हो गए। लेकिन ये हमारे मेंडल साहब का फोटो है, इन्हें ध्यान से देखिए, मेंडल साहब का फोटो है। इन्होंने अपनी भाषा में एक शब्द कहा था, इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत मोटिवेशनल शब्द है, ये बहुत मोटिवेशनल शब्द है, ध्यान से रखिएगा, कि मेन जेट वियर्ड स्कूल स्कॉन कॉमन, ये उनकी भाषा में, ऑस्ट्रिया की भाषा में लिखा हुआ शब्द था। इसका मतलब यह था, माई टाइम विल एट कम, मेरा समय आएगा, अपना समय आएगा, मेरा टाइम आएगा, यह मेंडल साहब ने करके लिख के खत्म हो गए थे। मेंडल साहब की कथनी में इतना मतलब समानता थी कि जिन्होंने ये जो कहा था इन्होंने, यही हुआ इनकी मृत्यु के 20 साल बाद। सन 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं आप लोगों को। मेंडल साहब जब खत्म हो गए 1680 के आसपास, उन्होंने अपना पूरा 60 के आसपास एक्सपेरिमेंट किया और 80 के आते आते 1880 के आसपास वो खत्म हो गए। 1900 तक 20 साल उनको किसी ने नहीं पहचाना, कोई नहीं जानता था उन्हें कि मेंडल साहब इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मेरा समय आएगा, अब मेरा टाइम जो है वो आएगा। अब मेरा टाइम आएगा कैसे आएगा, तीन दूत आए, तीन साइंटिस्ट आए, और वो साइंटिस्ट का पहला नाम था ह्यूगो डिब्रिच, दूसरे का नाम था कार्ल कोरेंसन, तीसरे का नाम था ईवॉन सेरमाक जिसके अपन कहते हैं, तो ईवॉन सेरमाक जिसे अपन ये नाम याद रखिएगा, तो कार्ल कोरेंसन का डिब्रिच, कोरेंसन और वॉन सेरमाक, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल साहब की कथनी मतलब जो कार्यक्रम थे उन्हें फिर से खंगाला, फिर से नए नियम डाले उसमें, नव मेंडलवाद डाला, जिसमें हम लोगों ने कोडोमिनेंस और ये सब पढ़ा हुआ है, सहप्रभाविता का नियम और इसके अलावा अपूर्ण प्रभाविता का नियम, वो सब इन्होंने डाला, फिर से पब्लिश करवाया और फिर दुनिया को मानना पड़ गया कि यस, जो मेंडल साहब थे इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये अनुवांशिकी के जनक थे। क्या सभी विद्यार्थियों को ये बात मालूम है ना कि अनुवांशिकी के जनक मेंडल साहब थे? ये इनकी मृत्यु के बाद प्राप्त उपाधि थी, मृत्यु से पहले उनको कोई उपाधि नहीं मिली थी इस विषय पे, उन्हें उपाधि मिली थी जब वो मतलब मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। तो ये बात ध्यान पे रखिएगा कि इन्होंने पूरी बात समझाई कि मेंडल साहब ने ऐसा ऐसा बताया था। कई बार सवाल आता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कई बार सवाल आता है, ट्वेल्थ के विद्यार्थी थोड़ा सा फोकस करेंगे, नीट वालों के लिए कोई खास फोकस जरूरत बात नहीं है, ट्वेल्थ के बच्चे फोकस करेंगे कि मेंडल साहब फेल क्यों हो गए, मेंडल साहब के फेल होने का कारण क्या था। तो मैं तीन कारण बता रहा हूं, आप लोग देख से लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में यहां पर लिख रखा है, मैंने हिंदी में आप लिखिए। उस समय कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, उस समय लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, संपर्क करना, लोगों को बता पाना, पूरी दुनिया को समझा पाना आसान नहीं था। पत्र चला करते थे और पत्र में उस समय बोलबाला था, वहां के साइंटिस्ट जिनका नाम था, ज्यादातर कार्यक्रम होते कहां थे, होते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे उस समय डार्विन साहब, उस समय वहां पर चल रहा था उनका बोलबाला था, डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका बोलबाला था, तो उनकी बात को कोई गलत मानने को तैयार ही नहीं था। तो मेंडल साहब ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि मैं सही हूं, तो कम्युनिकेशन उस समय आसान नहीं था, दैट्स वाई ये पोर्शन वहां पर हो रहा है। दूसरी बात, मैथमेटिकल अप्रोचेस डाल दिए उन्होंने। मैंने बताया आप लोगों को कि पुनिट स्क्वायर के कैसे वो फॉर्मूला लगाकर फॉर्मूला के थ्रू आंसर निकाल लिया, मतलब उन्होंने हर चीज बनाई करी नहीं, अपने आप फॉर्मूला लगा लगा के मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड डाल दिया। हर बायोलॉजी वाले को यह बात मतलब हजम ही नहीं हुई, किसी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को, टीचर को, उस समय के साइंटिस्ट लोग को हजम नहीं हुई कि हम बायोलॉजी इसलिए लेके रखे हैं क्योंकि मैथ पढ़ना पड़े, बिल्कुल नहीं, मैथ डाले हम बायो पढ़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए भी उन्हें फेल कर दिया गया, भाई ये कैसा बायो जिसमें मैथमेटिक्स डाल दिया तुमने, तो इसलिए भी फेल हो गए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में बताया, जीन के बारे में बात की, उससे पहले लोग जीन के बारे में जानते ही नहीं थे, तो ये एक नई बात थी, और नई बात को पचाने में, नई बात को मार्केट में फैलने में और नए ट्रेंड को आने में समय लगता है, ठीक है, बताइए मेरी बात यहां पर कि वो ट्रेंड में समय लगता है, ध्यान पे रखिएगा।
इसके अलावा ये यहां पर कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, उन्होंने ये एकदम परफेक्टली प्रूव नहीं कर पाया कि रियलिटी में जो उन्होंने कहा है वो है, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ था बस और कुछ नहीं था। तो इस वजह से मेंडल साहब की तीन कमियां थी, उस समय का सूचना का साधन नहीं था, उस समय इन्होंने मैथमेटिक डाल दिया, उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर पाया कि रियलिटी में जो कह रहे हैं वो सही बात है। इस वजह से मेंडल साहब जो हैं वो यहां पर गलत साबित हो गए, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई थी वो बताया इन तीन साइंटिस्ट ने, और ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज मिला था इन तीनों भाई साहब को। नाम था ह्यूगो डी व्रीस, कार्ल कोरेंसन, टी वॉन सेरमाक। ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर नया मेंडलवाद रच दिया और नया मेंडलवाद फिर जो लागू हुआ। आप सोच सकते हो, मुझे इतना प्रभावित करती है इनकी कहानी कि मेंडल साहब ने अपना कार्यक्रम कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद जाके इतना बेहतर काम किया था इन्होंने जीवन में, उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स बने मृत्यु के बाद। सोच सकते हैं, दुर्भाग्यशाली भी आप इन्हें कह सकते हैं, लेकिन इनकी कहानी मुझे बहुत इंस्पायर्ड करती है कि आप कभी भी फल की इच्छा मत करो, आप हमेशा अपना कर्म करते रहो, एक समय आएगा जब दुनिया आपको पहचानेगी कि आप एक नायाब हीरा हो इस दुनिया के, आप एकदम बेहतर कर सकते हो। मेंडल साहब के जीते जीते कोई इज्जत नहीं मिली उन्हें, कोई लोगों ने सम्मान नहीं दिया, फादर थे, फादर ही रह के मर गए बेचारे, लेकिन चर्च का पादरी होना अलग बात थी और फादर ऑफ जेनेटिक्स होना एक अलग बात थी। पूरी दुनिया आज इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानती है, मैं पढ़ा रहा हूं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की वजह से पढ़ा रहा हूं। मुझे इनकी कहानी बहुत इंस्पायर्ड लगी थी कि इन्होंने, सोचिए, मृत्यु हो गई, उसके बाद जाकर प्रसिद्धि मिली। अब ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है वो आप डिसाइड करिए, लेकिन मुझे इस बात से यही सीख मिलती है कि आप काम अपना करते रहे, एक समय ये दुनिया आपको सलाम करेगी, और काम ऐसे ही करो कि दुनिया सलाम ही करती रहती है। शोर मचा दिया भाई साहब इन्होंने अपनी सफलता का, और वो था कि इन्होंने, और छोटा मोटा पोस्ट नहीं मिला भाई, पोस्ट ऐसा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता, एक शाखा के पिता इनका नाम रख दिया गया, तो बहुत बड़ी बात थी, इसलिए यहां पर ध्यान पे रखिएगा। चलिए अगले पार्ट में पहुंचते हैं। तो ये क्या हुआ, अब हम पढ़ते हैं कि वंशागतिकी का क्रोमोसोम सिद्धांत है क्या। देखिए भाई, ये जो छोटा सा मटेरियल है, इसका एक छोटा सा भाग कहलाता है जीन, किसी भी डीएनए का एक छोटा सा भाग। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या डीएनए है क्या जीन है। ये जीन जो है मिल मिलके डीएनए बनाता है, छोटा सा भाग है जीन, जीन मिल मिलकर ऐसे बहुत सारे जीन मिलकर क्या बना दिए, डीएनए। डीएनए जो है इसकी लड़ी को ऐसा फोकस गोल कर देते हैं, थोड़ा सा बांध देते हैं, तो ऐसी संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोम। और ये क्रोमोजोम कोशिका के केंद्रक के अंदर ऐसे मात्रा में बना हुआ रहता है। तो सबसे पहला है जीन, जीन से बड़ा होता है डीएनए, और डीएनए से अंदर बना होता है क्रोमोसोम, और वो हमारी कोशिका के अंदर दबा हुआ है, हमारी कोशिका के अंदर दबा हुआ है, और वो जब दबा हुआ मटेरियल है वही हमारी शरीर की पूरी आनुवांशिकता को, शरीर को, सब चीजों को निश्चित करता है। आ रही मेरी बात समझ में, उसी चीज को ये निश्चित करता है, वो ये मटेरियल है वंशागतिकी का क्रोमोसोमल सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। तो किसने बताया सबसे पहली बात क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट लोग का बड़ा रोल है भाई, साइंटिस्ट लोग को सम्मान बराबर दोगे तो साइंस जेनेटिक्स समझ आएगा, बायोलॉजी साइंस इसी का नाम है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन साहब को नहीं सम्मान दोगे कहां से समझ में आएगा, बायोलॉजी पढ़ रहे हो मेंडल साहब को, अरस्तु साहब की फोटो लगा लो भाई अपने वॉलपेपर पे, ठीक है, अपना जो स्टेटस होता है तुम्हारा व्हाट्सएप का, इंस्टा का, उस पे स्टेटस में फोटो लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप फील करते हो, फिर कोई पूछेंगे ये कौन है, आप इन्हें नहीं जानते, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, हम इनकी पूजा करते हैं, वो हीरो हीरोइन की फोटो लगाने से कुछ नहीं होना है, होगा इनकी फोटो लगाइए डेली, अगरबत्ती एक ठो जलाया करो इनको देखकर, जो भी पूजा पाठ करते हो एकदम दिमाग में बैठेगा साइंस, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, समझे। तो इनके लिए प्यार जगाओ, इनके लिए सम्मान जगाओ जो साइंटिस्ट थे। तो पहला साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने क्रोमोसोम के बारे में सम्मान से नाम लेंगे, सम्मान का नाम इनका भाई साहब था वॉल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी, ठीक है, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोमेरी। लेकिन होता क्या है, इतने बड़े बड़े नाम कोई बोलते नहीं, हर किसी को ऐसा क्या होता है कि जब प्रोफेशनली बनता है ना तो उसके सरनेम से जाना जाता है, अपने सरनेम, मतलब सरनेम समझते ना, उपनाम जो होता है उनका, जैसे मुझे जनरली कोई योगेश चंद्र शुक्ला कोई बोलता ही नहीं मेरे अलावा, सब लोग शुक्ला सर, शुक्ला सर, शुक्ला सर, शुक्ला सर, क्यों, क्योंकि वो सरनेम है। तो वैसे ही हम लोग भी इनका थोड़ा सा कॉमन नाम बोलेंगे, सटन एंड बोमेरी, सटन एंड बोमेरी साहब थे, इन्होंने पहली बार बताया था कि व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसा है और क्रोमोसोम कैसे आनुवांशिकता को निर्धारित करता है, ये बात बताई थी। मेरी बात सुनिएगा, क्रोमोसोम का काम बताया था, क्रोमोसोम के बारे में
क्रोमोसोम कैसे अनुवांशिकता को, वंशागतिकी को निर्धारित करता है, यह बात वॉल्टर एंड सटन एंड बोवेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन के जैसा है। जीन का जैसे का क्या मतलब है? जीन के जैसे का मतलब है जिस प्रकार जीन अपने लक्षणों को निर्धारित करता है वैसे क्रोमोसोम भी निर्धारित करता है। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग हो जाता है, क्रोमोसोम भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग हो जाता है। क्रोमोजीन भी लक्षणों को निर्धारित करता है, क्रोमोसोम भी करता है। कुछ ऐसे लक्षण यहां पर बनेंगे। पहला पार्ट, सटन एंड बोवेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युक्त का जोड़ा बन जाता है, अलग होना अपने साथ ले जाना निश्चित करता है। अब एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर जीन से ही क्रोमोसोम बना है तो मान लीजिए यह क्रोमोसोम है, मान लीजिए यह क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के साथ अगर जीन है, मान लो यहां पर ए जीन है और यहां पर बी जीन है, अब इन दोनों को अलग होना है, युग्मक बनाना है, क्रोमोसोम बनाना है, शुक्राणु बनाना है, तो ये भाई साहब दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे। एक इधर अलग हो गया, एक इधर अलग हो गया, इधर रह गया ए और इधर रह गया बी, तो ए और बी दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्रोमोसोम भी अलग अलग हुआ, जीन भी अलग अलग हुए। मतलब जीन को बांटो या क्रोमोसोम को बांटो, क्रोमोसोम को बांटोगे तो जीन बट जाएगा, जीन को बांटोगे तो क्रोमोसोम बट जाएगा। मतलब जीन और क्रोमोसोम समान प्रकार की प्रकृति को दर्शाते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, आपस में बात क्या बोली? ठीक है, अरे शुक्ला जी नहीं बोलने का है मेरे को, समझे? तुम लोग अपना जो नाम बोलते हो वही बोलो, समझे? कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा नाम मत चेंज करो भाई। बड़े आदरों से मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है, ठीक है? शुक्ला उक्ला नहीं बोलने का है। और शुक्ला SUKLA नहीं हो, शुक्ला नहीं होता, SHUKLA होता, शुक्ला, समझे? अच्छे से नाम लेना अगली बार। चलो समझो मेरी बात को। तो क्रोमोसोम जो है वो दो भागों में बटा, क्रोमोसोम दो भागों में बटा, तो क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन है ना भाई। तो क्रोमोसोम के इस भाग में मान लो ए जीन है, इधर बी जीन है, क्या ए जीन बी जीन अलग हो गया क्रोमोसोम से? नहीं। क्रोमोसोम यदि शुक्राणु दो बनाया तो मान लीजिए ए इस शुक्राणु में आ गया, बी उस शुक्राणु में चला गया, तो एक इधर ए और एक तरफ हो गया बी। इस तरह से कार्यक्रम चलता है और इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो सटन एंड बोवेरी ने बताया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बनना या अलग होना अपने आप में ले जाना कारकों के विसंयोजन के कारण बनेगा। डीएनए का अलग होना, क्रोमोसोम का अलग होना भी जीन का अलग होना है, ठीक है? बिल्कुल। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के सिद्धांत को, क्रोमोसोम के विसंयोजन के सिद्धांत के मेंडल के सिद्धांत के साथ जोड़कर वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद दे दिया। उन्होंने अब कह दिया कि यस भाई साहब, मेंडल साहब ने जो कहा था वो सच बात थी, बिल्कुल सच बात थी, और इसी वजह से बल मिला। जिस दिन से क्रोमोसोम का थ्योरी आ गया ना, उस दिन से मेंडल साहब की बातों को बल मिला, और इन दोनों ने मिलकर, सटन एंड बोवेरी ने मिलकर मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को भी अपने साथ डाला और कह दिया नया सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी का क्रोमोसोमलवाद। क्रोमोसोमलवाद मतलब क्रोमोसोम जो है अब वो वंशागतिकी को भी निर्धारित करेगा। ये बात बता दी हमारे भाई साहब, नाम था जिनका सटन एंड बोवेरी ने। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज क्रोमोसोमल सिद्धांत। आगे हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब कंपेयर करना है इसको ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा ब्लंडर एनसीईआरटी ने बना रखा है, समझ ही में नहीं आता ये क्या टॉपिक है। जेनेटिक्स तो कम से कम एनसीईआरटी से पढ़ने लायक है ही नहीं, तो इसलिए अगर एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है उसे, तो इसलिए हमारी वीडियो देखो और उसके बाद एनसीईआरटी के टॉपिक को आसान कर लो। समझ में आ रही मेरी बात? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अनुवांशिकी हो चाहे इसके बाद जितने भी चैप्टर है, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, छोटी छोटी बातों में टॉपिक उलझ जाता है, समझ में नहीं आता बच्चों को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, जिसकी भी वीडियोस देखो, लेकिन सामान्य थ्योरी समझ में नहीं आएगी तो टीचर से पढ़ो या तो फिर मेरी वीडियो देखो, देखो फिर मजा आता है। चलो भाई तो शुरुआत करते हैं क्रोमोसोमल जीन का व्यवहार की तुलना में। मान लीजिए एक जीन है और एक क्रोमोसोम है, इन दोनों को हम बांटते हैं कि दोनों की क्वालिटीज क्या है। यह जोड़े में होता है, सभी को पता है कैपिटल टी होता ही है। क्रोमोसोम भी जोड़े में होता है, एक्स वाई दोनों जोड़े में होते, समानता देख रहे हो, इसी वजह से दोनों को मिलाकर एक नियम बनाया गया, दोनों में समानता है, ठीक है? चलिए, युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये दो जोड़े हैं, युग्म ये हैं, अब यहां पर ए जीन है, यहां पर बी जीन है, तो जब युग्मक जनन होगा, आपको पता होगा थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि ये दोनों अलग होते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम अलग हुए,
तो एक जीन इधर आ गया और एक जीन कहां चला गया, बी में। तो युग्मक जनन के समय युग्मक जनन जोड़े में से केवल एक ही ए, इन दोनों का जोड़ा था, ए बी का जोड़ा था ना, ए में से कोई यहां पर ही जाता है, ठीक है, यह बात ध्यान पे रखिएगा। क्या सवाल पूछ रहा है बाबू रणधीर जी ने, सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोमर विभाजित होकर क्या बनाता है? भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा, अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु बनेंगे, समसूत्री विभाजन होगा तो बाकी कोशिकाएं बनेंगी। तो क्रोमोसोम जो विभाजन होता है वो ऐसे ही होगा, अभी समझो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों भाग अलग हो गए, जब ये दोनों जीन अलग हुए विसंयोजन के समय, उसी समय में ये भी क्रोमोसोम भी विभाजित हो गया। यही बात नजर आती है ना भाई साहब, कि अगर ए भी आपस में टूटे हैं तो ये मान लो ये एक्स वाई भी तो आपस में टूटा है, एक्स वाई भी तो विसंयोजन हुआ है, लेकिन ये होता है सिर्फ और सिर्फ युग्मक जनन के समय। युग्मक जनन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन या ओवा प्रोडक्शन, इन दोनों चीजों में बस ये होता है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस यहां पर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए इसे देखो, यदि आपने कभी पढ़ा है 11th में सेल साइकिल वाला पार्ट, तो ध्यान से मेरी बात को गौर से सुनना। मान लीजिए किसी भी कोशिका में 3 से 4 अवस्था होती है, जब कोशिका विभाजन होता है 11th में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो का इंतजार करना, कि कोशिका के विभाजन के लिए सबसे पहली अवस्था होती है जी वन फेज, इसमें क्रोमोसोम सामान्य है। इसके बाद दूसरा फेज आता है जिसे हम कहते हैं एस फेज में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो गई। ध्यान देना मेरी बात को कि यहां पर जीवन में क्रोमोसोम एक एक है, ऐसे समझो, यहां पर ये पीला और ये लाल, पीला लाल एक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां पर G2 हमने लिया तो दोनों की संख्या क्या हो गई, डबल हो गई, दोनों की संख्या डबल। तो एस फेज में याद रखिएगा कि क्रोमोसोम या डीएनए की संख्या जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो गया। फिर पहुंचे हम लोग यहां पर इसके बीच में, याद रखिएगा ये इन दोनों के बीच में एस फेज रहेगा। फिर पहुंचे G2 फेज में, तो G2 फेज में डबल हो चुका था, G2 फेज में डबल हो चुका था। इन दोनों के बीच में एक एस फेज होता है जिसे सिंथेसिस फेज, संश्लेषण फेज कहा जाता है। यहां पर एक क्रोमोसोम 2 में बदल जाता है, समझ में आ रहा है, एक डीएनए 2 डीएनए में बदल जाता है, कुछ इस तरह से यह प्रोसेस होता है। सभी विद्यार्थी बात याद रखिएगा, G1 एस फेज, G2 G1 में कुछ नहीं हुआ, G2 में डबल हो गया, S में, और G2 में डबल तो दिखाई देगा। और इसका क्या पूरा डिटेल क्या है वो 11th के पोर्शन सेल डिवीजन वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ भाई, अब इसने विभाजन शुरू किया, इसके बाद आता है G2 और यह अवस्था कहलाती है विभाजन। अब इसे विभाजन करना है, क्रोमोसोम की संख्या डबल है, विभाजन की पहली अवस्था में ये दोनों अलग होना शुरू हुए, ये दोनों भाग जो है अलग हो गए अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में। यदि आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है कौन सा चैप्टर, अगर आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, जनन वाला पार्ट, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो क्रोमोसोम की संख्या यहां पर 2-2 थी, दोनों एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, आधी हो गई। इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसने क्या किया, अब इसके बाद अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन आया, प्रथम विभाजन किया तो ये आ गई, द्वितीय विभाजन किया तो सबके सब क्रोमोसोम अलग हो गए और आखिरी में जाकर 4 कोशिकाएं, 4 जो है शुक्राणु का निर्माण कर लिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो 4 शुक्राणु बने हैं, ये एक अलग, ये अलग, ये अलग, ये जनन कोशिका या अंडाणु जो बनते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू बनते हैं। तो इसमें हमें एक बात पता चलती है कि क्रोमोसोम भी अलग अलग हुआ। अब मान लीजिए कि ये रेड वाला पार्ट छोटा सा जीन है, तो जीन भी बराबर बराबर अलग हो रहे हैं, क्रोमोसोम भी अलग हो रहा है। क्रोमोसोम के विभाजन में और जीन के विभाजन में कोई खास अंतर नहीं है, तो हमें यह बात प्रूफ हो जाती है कि जो बात मेंडल साहब ने जीन के लिए कही थी वही बात सडन एंड बोमेरी ने क्रोमोसोम के लिए कहा। तो हैंस प्रूव्ड क्रोमोसोमल का वंशागति का सिद्धांत। सभी विद्यार्थियों को यह बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसका पूरा डिटेल बच्चे यहां पर अभी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी भी कवर नहीं करती है, एनसीईआरटी इसको 11th में पढ़ने के लिए कहती है। तो हम 11th के पार्ट में, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जब मैं पहुंचूंगा तो पढ़ाऊंगा जरूर, तब तक आप इंतजार करिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह है वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत जिसके आधार पर हमें यह पार्ट पढ़ना है। चलिए भाई अगले विषय में पहुंचते हैं। अगला विषय क्या है, अब पहुंचे नए साइंटिस्ट T.H. मॉर्गन, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिताजी नाम है इनका। क्या नाम है? T.H. मॉर्गन, सर T.H. मॉर्गन, सर नाम लगाना, इज्जत से नाम लेना है भाई साहब साइंटिस्ट लोग का, मुझे बहुत बुरा लगता है कोई इज्जत से नाम नहीं लेता। तो सर T.H. मॉर्गन सर, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, देखो बेटा थोड़ा सा क्लियर हमको देखो,
कैसे नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। क्या बरसात हो रही है, थोड़ा सा बाहर तेज वर्षा वृष्टि हो रही है, जिस वजह से धुंधला दिखाई दे रहा हो सकता है। समझ रहे आप लोग मेरी बात को? टीएच मॉर्गन, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब ये कैसा बात है भाई, नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्यों क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? ब्राइटनेस कम करिए थोड़ा सा इसका। अभी तक सब दिखाई दे रहा था, अचानक से सब नहीं दिखाई दे रहा है। अब कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा है, हाई साइज तो उतना ही बड़ा है बेटा, दिख रहा है अब? दिख रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिखाई देगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है, ये देखो क्लियर हुआ। आ हा हा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, सुंदर, क्या बात कहा है आप लोगों ने। चलिए सुनते हैं भाई तो साइंटिस्ट साहब के बारे में। तो ये महोदय जिनका नाम था सर टीएच मॉर्गन, पूछा जाएगा कौन है भाई साहब ये, कहेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स के पिताजी नाम था इनका। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार मनुष्यों से संबंधित एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया था, फल मक्खी पे एक्सपेरिमेंट किया था और हमारे शरीर के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, पूरा डिटेल में बताया था। तो टीएच मॉर्गन जो है यहां पर बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्या बोलेंगे उसे, मतलब आधुनिक वंशागत, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक थे, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक थे। तो ये जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो थॉमस सेंट मॉर्गन और उनके साथी थे, साथी लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन उनके साथी थे, फल मक्खी पर रिसर्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, किस पे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब सवाल बहुत पूछा जाएगा। इसलिए अभी से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक ऐसे सवाल हमेशा खुद से पूछते रहना कि यही फल का उपयोग क्यों हुआ, इसी पक्षी का उपयोग क्यों हुआ, इसी मक्खी का उपयोग क्यों हुआ, दूसरे का क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए आप समझना है कि थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने फल मक्खी का उपयोग किया। फल मक्खी को फ्रूट फ्लाई हिंदी में कहते हैं और बायोलॉजिकल नेम इसका होता है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, इसे हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर, नाम बायोलॉजिकल भी याद रहना चाहिए, सामान्य तो याद रखिए ही बायोलॉजिकल भी याद रखिए। तो इनका नाम है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर ने काम किया, वंशागति का सिद्धांत का प्रयोगात्मक सत्यापन किया। 2019 में सवाल आया, 2019 में नीट में सवाल आया कि क्रोमोसोमल जो सिद्धांत है, क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है, उसका प्रयोगात्मक वर्णन किसने किया, प्रयोगात्मक रूप से किसने समझाया, सबने लिख दिया सटन बावेरी। यहीं पे इंडिया मार खा गया, प्रयोगात्मक विवरण दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, तो ऑप्शन थॉमस हंट मॉर्गन आएगा। जबकि उसे समझाने का काम, उसे एक्सप्लेन थोड़ा बहुत प्रयोग नहीं किया था, सिर्फ कहानी कह दी थी उसके बारे में। उस साइंटिस्ट का नाम था क्या, उस साइंटिस्ट का नाम था, अरे क्या नाम था भाई उनका, सटन एंड बावेरी। क्या नाम था, सटन एंड बावेरी। समझ आई मेरी बात, ये लाइन बहुत ध्यान से रखिएगा, प्रयोगात्मक विवरण मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखाया थॉमस एंड मॉर्गन, कह दिया, कहानी बोल दी, हां होता होगा, उनका नाम था सटन एंड बावेरी। मुझे उम्मीद है ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, या नीट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, मेरे जितने भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे थे लगभग उसमें समझ लो 80% बच्चे गलत करके आए थे ये सवाल के ऊपर में, 20% बच्चे सही थे। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है, सुनते हैं फिर इसके बाद। तो ये जो पार्ट है ये ध्यान रखिएगा कि टीएच मॉर्गन जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इसे चालू करवाए भाई साहब, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो थे उन्होंने पहला ये कार्यक्रम किया। इसके बाद आपको ध्यान पे रखना है कि ये कार्यक्रम जो है फ्रूट फ्लाई बायोलॉजिकल नेम है, फल मक्खी हिंदी नेम है, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर का के ऊपर में एक्सपेरिमेंट चला और उसके बाद ये सारी बात समझ में आ गई, प्रयोगात्मक सत्यापन। नीट वाले बच्चे छोटी छोटी बातों को गौर करिएगा, प्रयोगात्मक कह दिया, बिना प्रयोगात्मक कह दिया किसके ऊपर सवाल पूछ जाए कोई जानता नहीं इस दुनिया में, ठीक है, कानों कान खबर नहीं रहती कहां पे सवाल आ जाएगा। हर एक टॉपिक को शिद्दत से पढ़ना है, समझना है, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। थॉमस सेंट मॉर्गन जी ने क्रोमोसोम का प्रयोगात्मक विवरण दिया था, अर्चना वर्मा ने कहा है तो सही ही कहा होगा, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले सवाल की तरफ में आते, व्हाई ओनली यूज ड्रोसोफिला, सिर्फ ड्रोसोफिला को उपयोग करने के पीछे क्या रीजन था,
तो मेंडल सॉरी थॉमस साहब ने भी समझाया इस बात को। पहली बात यह था कि इसे सरल माध्यम में रखा जा सकता है, मतलब एक ऐसी मक्खी है जिसे लैब में बनाया जा सकता है, उसके ऊपर क्रॉस कराया जा सकता है, उसे रखा जा सकता है, संवर्धित किया जा सकता है, पहली जरूरी बात। दूसरा, इनका जीवन चक्र जो होता है मात्र 2 हफ्तों का होता है। अब 2 हफ्तों का हुआ तो अच्छी बात क्या है, 2 हफ्तों का हुआ मतलब 2-4 हफ्तों में सारे रिजल्ट आ जाएंगे, तो रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाएगा, यही तो किसी एक्सपेरिमेंट का अच्छा उपयोग होता है भाई, जल्दी रिजल्ट आ जाए तो हमें जल्दी जल्दी पता चल जाएगा, देर से रिजल्ट आएगा तो देर से पता चलेगा। तो पहला उपयोग ये कि इसे प्रयोगशाला में माध्यम में संवर्धित किया जा सकता था, इसलिए उपयोग किया। दूसरा, इसका जीवन चक्र 2 हफ्तों का था, पूछ दिया जाएगा सवाल, ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर का जीवन चक्र कितने समय तक चलता है, 2 हफ्तों तक, मीन्स 14 डेज ओनली, 14 दिन में ये जीवन कंप्लीट हो जाता है इसका, मर जाते हैं तब तक ये अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। तीसरी बात, एकल मैथुन से एक बार ये क्रॉस करेगा नर्मदा और भरपूर संख्या में बच्चे पैदा कर देगा, भरपूर संख्या में, समझ में आ रही मेरी बात, बहुत सारी संख्या में बच्चे पैदा कर सकता है, ये तीसरी बात है। तीसरी बात, चौथी मतलब तीसरी बात, लिंगों का विभेदन स्पष्ट था, इस शब्द का यह मतलब है कि ये देखो ये दोनों डायग्राम है, अब अगर आपके सामने इस मक्खी को रख दिया जाए तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये भाई साहब नर हैं, जो छोटे से रहेंगे वो नर हैं और जो बड़ी रहेगी वो मादा। दुनिया में मनुष्य को छोड़कर हर प्रजाति में याद रखना कि फीमेल डोमिनेंसी होती है, फीमेल का मतलब क्या बोलना चाहिए, आकार आकृति कार्यात्मक रूप से सब चीज समान होता है, मनुष्य में पता नहीं जो है, मनुष्यों में भी है लेकिन पुरुष थोड़ा सा उसे डोमिनेंट करके रखे हुए हैं, बेमतलब का, ज्यादा ताकत ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा बिहेवियर गुण सब चीज जो होता है वो फीमेल स्ट्रक्चर में होता है, तो हर दुनिया का हर जो फीमेल स्ट्रक्चर देख लो बड़ा है, समझ में आ रही मेरी बात, ऐसे ही पौधों में भी होता है, बड़ा बीजाणु है तो मादा बीजाणु, छोटा बीजाणु है तो नर बीजाणु, मतलब नर हमेशा छोटा रहेगा इस क्वेश्चन पोर्शन पे, नर जो है छोटा रहेगा याद रखिएगा, और मादा जो है यहां पर क्या रहेगा आकृति में बड़ी, देखना आसान हो जाएगा। अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं 50 छोटे 50 बड़े तो बता दिया गया, देख के ही बता दिया गया, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये मादा है और ये नर है, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये तीसरा पार्ट, नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है, कैसे याद रखना कि नर भाई साहब नर जो है वो छोटा होता है और जो मादा है वो होती है हमेशा बड़ी, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान पे रखिएगा इस बात को। अगला विषय, इसमें आनुवांशिक विविधता के कारण जो कम जन्म क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, छोटे छोटे जीवों को आसानी से इसे देखा भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर मैथुन किसे कहते हैं, क्रॉस मींस रिप्रोडक्शन जनन, उसे मैथुन कहा जाता है, ठीक है। अरे प्रियांशु साहू जी, हाँ ठीक है पहचान गया बेटा, तुम्हारे नाम को बहुत रोशन करो, अपने नाम को अखबार में कमेंट लिख लिख के रोशन मत करो, समझे, जान गया मैं, अब तुम्हारे नाम का क्या करूं, उस नाम का बताओ, थैंक यू आपने अपना नाम बताया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं आपने मुझे अपना असली नाम बता दिया, बहुत मजा आया सुन के, मैं अभिभूत हूं आपके इस जवाब से, थैंक यू बड़ा मजा आया मुझे, आज का मेरा क्लास सार्थक सिद्ध हो गया, प्रीतम कलेक्शन का सही नाम जानकर मैं, ठीक है अब अगली बार मत बताना, ठीक है जान गया मैं। हाँ भाई पढ़ने में ध्यान लगाओ यार, कैसा नाम, कितना अच्छा नाम है प्रियांशु, है बताओ क्या बदनाम कर रहे हो, बेमतलब का कमेंट मार मार के, पढ़ो यार थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई करो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, नाम बताने की क्या जरूरत है, मिलने आऊंगा तुमसे, तुम निकाल लो नीट एक बार बढ़िया, डॉक्टर बन जाना मस्त वाला, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है चलो भाई। हाँ प्रीतम सारी करेक्शन, ऐसे ही कुछ हुआ था, अब सही नाम डाला है बंदा, इतने बार टोकन तब जाके प्रीतम कलेक्शन जो है चेंज किया उसने, खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बुरा नहीं मानिएगा, मजाक कर रहा हूँ ऐसी, ठीक है चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब क्या है इसमें, आनुवांशिक विविधता के प्रकार थे इस हिसाब से, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान पे रखिए कि क्यों मेंडल साहब को उपयोग किया गया, मेंडल साहब के सॉरी मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को ही क्यों उपयोग किया, इसके पीछे क्या रीजन है, किस हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पोर्शन की तरफ में बढ़ते हैं, अब एक जबरदस्त चीज है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, अब एक काम करते हैं नेक्स्ट डे में, आज की क्लास अभी हम लोग कर लेते हैं, क्या पढ़ा लें, पढ़ा दें, ठीक है पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक बात बता रहा हूं मैं, मॉर्गन साहब ने इसके अलावा 2 बातें और बताई, मैं आप लोगों को इस हिसाब से नहीं समझाता हूं, शॉर्टकट में आज समझाता हूं, कल फिर मैं उसे पूरी तरह से डिटेल करूंगा, ठीक है। देखो भाई, मेंडल साहब के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन चेंज नहीं आता है, बट मॉर्गन साहब ने क्या कह दिया कि मॉर्गन साहब ने कहा कि कभी कभी ये जीन जो है ना चेंज हो जाए, जीन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिर्फ सिंपल पॉइंट बोलता हूं कि मेंडल मॉर्गन साहब ने क्या बताया,
इन्होंने कहा मान लीजिए यहां पर ए जीन है, यहां पर बी जीन है, यहां पर ए जीन है, यहां पर बी जीन है, और यहां पर मान लीजिए सी जीन है, ठीक है, यहां पर सी जीन है, यहां पर भी सी जीन है। अगर मान लीजिए ये तीनों जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एज इट इज ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, एज इट इज चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों जीन आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ जुड़ाव है, और इस जुड़ाव को कह देते हैं सहलग्नता। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसे हम कहते हैं सहलग्नता, इसे हम कहते हैं लिंकेज। लिंक है मतलब कुछ तो ऐसा है इनके दरमियान कि ये जीन एक जनरेशन से प्रथम पीढ़ी से F1 से F2 में साथ ही साथ जा रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के जा रहे हैं, एज इट इज पेरेंट की जैसे दिखाई देंगे, यह वर्ड कहलाएगा सहलग्नता। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा सहलग्नता का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अगर प्रथम पीढ़ी से कोई जीन एज इट इज, मतलब क्या बोलना चाहिए, सेम एज इट इज, वैसा ही जो है दूसरे पीढ़ी में समान सीक्वेंस से, अगर एबीसी ऐसा है तो यहां पर भी एबीसी समान रूप से आ जाएगा, हम उसे कहेंगे सहलग्नता, मींस कहलाएगा लिंकेज। क्या कहलाएगा? लिंकेज। और अगर इनमें अंतर आ गया, अगर इनमें चेंज आ गया, मान लीजिए कि इसमें परिवर्तन, इसमें यहां पर डी था और यहां पर ई था, चेंज आ गया, यहां पर होना चाहिए था ए बी सी और डी और ई होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आ गया डी, नया कोई सीक्वेंस बन जाएगा, नया कुछ चेंज आ जाएगा, उस कंडीशन पे हम उसे कहेंगे, मतलब इसे सहलग्नता कह लेते हैं, वो कहते हैं, और इसे हम कहते हैं विसंयोजन, मतलब होता है इसे इंग्लिश में लिंकेज, इसका नाम होता है रिकॉम्बिनेशन, हिंदी में इसे कहते हैं सहलग्नता, और रिकॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन को कहते हैं पुनर्संयोजन। क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन, मतलब इन्होंने पुनर्संयोजन कर डाला, फिर से चेंज कर डाला, इसने अपने आप को बदल दिया। तो अगर जीन एज इट इज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, समान तौर पे जाएगा, हम उसे कहेंगे उनके बीच में लिंग कुछ जुड़ा है, सहलग्नता कहेंगे। लेकिन जब वो दोनों कुछ चेंज कर जाए, जो जीन है वो अलग हो जाए, कुछ नया बन जाए, वहां पर नया कॉम्बिनेशन आ जाए, ए बी सी डी ई होना चाहिए था, ए बी सी और डी हो गया, तो नया कुछ कॉम्बिनेशन बन गया, तो लक्षण भी नए रहेंगे, और लक्षण भी नए रहेंगे, उसे हम कहते हैं पुनर्संयोजन, मींस रिकॉम्बिनेशन। दैट्स ऑल, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की नींव आज हमने रख दी है। नेक्स्ट क्लास में से सैटरडे को हम पूरी तरह से डिटेल करेंगे और आपको ये फिर समझ में आएगा कि ये है क्या। मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बाय बाय।